हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं। आई थिंक एक हफ्ता जैसा हो गया है जब से मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं है। और आप लोगों के कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे थे यूट्यूब एंड फेसबुक पर भी कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, दी क्या हो गया है, सब ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, कभी कभी फैमिली में जब आप रहते हो ना, तो कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको आप ना ही तो शो कर सकते हो ना ही छुपा सकते हो। मीन्स वर्ड्स मुझ तक ही वो सीमित रहती हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सुबह का अपना नाश्ता। तो आज के नाश्ते में है दूध जलेबी एंड ए खमन ढोकला। और ये जो नाश्ता है ना, ये बाहर से आया हुआ था, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं। और श्रेय चले गए अपने स्कूल। श्रेय के स्कूल जाने के बाद का ये टाइम है। कभी कभी मन नहीं होता ना घर पे कुछ बनाने का, तो इस तरीके से बाहर से ले आते हैं। और ये जो नाश्ता है वो मेरे चाचा ने भिजवाया था। तो बस यहाँ पे अपने हेयर वॉश जो किए थे उनको ड्राई करूँगी, टॉवल ड्राई, एंड इसके बाद अपने काम में लगूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और शाम के बज रहे हैं आई थिंक 10, और बस मैं नहा धोकर के फ्री हुई हूँ, क्योंकि घर के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम भी करने थे, क्योंकि आज मुझे सोमवार की पूजा भी नहीं करनी है ना। तो बस हम दोनों ने मिलके लगाए हैं यहाँ पे कुछ पौधे। तो क्योंकि वो जो पहले पौधे लगाए थे ना, वो नहीं सही हो पाए, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो ये लगा दिए हैं अभी। करी पत्ता वाला तो लगा ही था पहले का, मैं आपको दिखाती हूँ, लगा दिए। ये अभी गमला ना खाली पड़ा है, इसमें और कुछ लगाएंगे। ये देखिए मनी प्लांट लगाया था, काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहा है। ये करी पत्ता इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रो करे ना तो ग्रो कर रहा है मीन्स वो, और ना ही मुरझा रहा है कुछ। अगर आपको टिप्स बताओ तो बताइएगा ज़रूर। और ये पौधे लगाए हैं यहाँ पे, ये तुलसी लगा दी है, तो हाँ वो दोनों कलर है। पे बताऊं, ये अभी सामान पड़ा हुआ है नीचे, तो टीवी लगनी है। श्रेय बड़ा खुश है कि चलो टीवी लगेगी, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा बोर होते हैं। बच्चे और मुझे स्वेटिंग देखे, कितना स्वेटिंग हो रखा है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि मतलब यहाँ एकदम से कभी हवा चलने लगती है, फिर एकदम उमस हो जाती है, और अंदर तो बहुत गर्मी लगती है। तो चलो अब मैं बनाऊँगी लंच। टीवी वाले का वेट कर रहे हैं, जैसे ही टीवी वाले आ जाएंगे भैया तो वो टीवी लगाएंगे। मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, लंच बनाना। कपड़े ड्राई हो गए हैं, कपड़े भी डाल देती हूँ, चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पे जो दूध है वो मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये जो बॉटल्स में दूध आते हैं ना घर से, तो एक्चुअली मम्मी गर्म करके ही फिर अच्छे से चिल्ड करके थप भेजती हैं, बट आते आते सुबह के 10 बज जाते हैं, तो ऐसा लगता है आ गया है, तो जल्दी से उसको बॉयल करके रख दो, नहीं तो फिर ख़राब ना हो जाए। तो वही है, एक साइड दूध रख दिया है। मल्टीटास्किंग काम करना ही पड़ता है हमें, वरना घर नहीं चल पाता है। हर औरत को एक के साथ दूसरा काम देख हुए, जैसे दूध रख दिया है तो मैंने यहाँ पे पूरा बास्केट खाली कर दिया है बर्तनों का। जो भी बॉटल्स खाली थी ना पानी की बॉटल्स, उनको मैंने भर के रख दिया है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते हैं, लेकिन इतना पीते हैं कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लगे। इतना ठंडा नहीं पीते, एकदम चिल्ड नहीं पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस हो रखी है ना, तो वही है। तो फ्रूट्स वगैरह मैंने धो कर के रख दिए, इसको मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे। इससे क्या है ना, बच्चे देखते हैं ना तो उनका खाने का भी मन होता है, तो हम लोग इजीली उठा के काट के दे सकते हैं। बच्चों को खाना है तो ऐसे एक एप्पल ले लिया एंड वो खाते रहते हैं, इस वजह से मैंने वहाँ पर रखा है ताकि वो खाता भी रहे। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था, तो दूध देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है, और इसको मैं ढक के रख दूँगी। फटाफट से आटा गूंथ दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। हाँ, यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी सुबह ही, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आटा गूँथने लगा, रोटियाँ बनने लगी लंच के लिए, लेकिन भाई सब्ज़ी का क्या है। तो सब्ज़ी क्या होता है ना, कभी कभी मैंने बताया है आपको कि जैसे मैं श्रेय का लंच बनाती हूँ ना, तो उसका लंच बॉक्स के साथ जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा लेती हूँ, तो वही हम लोगों को भी हो जाता है। तो बस वही है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, बस साथ में हो जाएगा दूध एंड दलिया रोटी, तो बस इस तरीके से। और यहाँ पर आ गई थी टीवी वाले भैया, तो वही टीवी लगवा रहे थे ये।
तो बस मैं भी खड़ी हो गई थी बताने के लिए कितनी ऊंचाई कितनी क्या करना है, तो काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। वैसे कहने को तो बस टीवी ही लगी है, लेकिन लगाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, जो लगाते हैं उससे पूछो। टीवी तो लग गई है, लेकिन टीवी के नीचे कितना कुछ फैल गया है, तो मुझे बेसिकली पूरा रूम ही मुझे क्लीन करना पड़ेगा और झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अकेली झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर भी डस्ट तो चिपका ही रहता है। तो चलो मैं पोछा भी लगा देती हूँ, झाड़ू भी पहले क्लीन कर देती हूँ, तो उसके बाद आराम से सब लोग लंच करेंगे। जब तक ये नहाने गए हैं तो ये भी फ्रेश हो लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं डस्टिंग कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा डस्टिंग निकल चुकी है, क्योंकि कचरा बहुत हो जाता है, ड्रिलिंग मशीन वगैरह चलती है ना तो इसलिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा कचरा तो होता है, इससे भी ज़्यादा जब घर में फैल जाता है तो वो है एसी लगते टाइम या एसी रिपेयर करते टाइम। भाई साहब, पूरा रूम विंडो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कचरा जो है वो भर लिया है, जितना भी कूड़ा निकला था वो, एंड इसके बाद मैंने पोछा लगा दिया। और फिर क्या हुआ ना, यहीं पैरों से चलते चलते सब लोगों ने पूरे घर में भी डस्टिंग कर दी थी, तो फिर मैंने पूरे घर में दोबारा से पोछा लगाया। एक बार मैंने सुबह सफाई कर दी थी, बट दोबारा अगेन, एंड इसके बाद ये चले गए थे फ्रेश होने के लिए, अच्छे से हाथ मुँह धोने के लिए। जब तक मैंने कहा चलो सफाई कर दूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बना रही हूँ, हम दोनों की इकट्ठी ही रोटियाँ बना रही हूँ, फिर हम दोनों लोग ना साथ में खा लेंगे। श्रेय को तो खाना नहीं, क्योंकि वो स्कूल से आके ना फ्रूट्स वगैरह लेता है, कभी ऐसा मन हुआ जैसे दाल चावल बने तो खा लिए, लेकिन रोटी वो बहुत कम खाता है, खाता ही नहीं है बेसिकली। अभी तो गर्मी है तो भूख भी कम लगती है। लंच वगैरह करके अब ये निकल गए हैं अपने कुछ काम से बाहर, और मैं अपना करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम का टाइम है, शाम के बज रहे 6, ये काम से आ गए थे 4 बजे। तो बस हम लोगों ने बैठ के चाय वाय पी, एंड सडनली हमारा यूँ प्लान बना बाहर जाने का। क्यों बना, कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल आप मेरा लुक देख लीजिए, मैंने ग्रीन ब्लाउज विथ रेड साड़ी वेयर करी है। अच्छा, आप लोग बता दीजिएगा कैसी लग रही है, पहनने में काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम हल्की है, और मुझे तो फिलहाल अभी कैमरे में जब मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग के कॉम्प्लीमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप लोग अपने तरफ से जो भी कमेंट करोगे। ऐसा होता है ना, जब भी हम कहीं रेडी होते हैं जाने के लिए तो हम घर वालों से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तो वही है, मैं अपनी फैमिली यानी कि आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बताइएगा ये मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी होके निकल रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, शॉपिंग मीन्स श्रेका आ रहा है बर्थडे, एक्चुअली श्रेका बर्थडे व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके पहले वाला ये व्लॉग। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं उसके बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, उसके कपड़े वगैरह लाने के लिए। और बाहर देखिए मौसम कितना सुहाना मौसम हो रखा था ना, तो बस काफ़ी अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया, मीन्स एकदम ठंडा ठंडा। पता नहीं क्यों सुबह बहुत गर्मी थी, शाम को एकदम ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं वगैरह चलने लगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप देखी, लेकिन फाइनली जहाँ से हम लेते आए हैं शॉप, वहीं से हम लोगों को कपड़े मिले। एक्चुअली मैंने सोचा चलो ना कहीं और जगह ट्राई करते, बट ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे आप लेते रहो ना तो वो जो दुकान वाले हैं ना वो भी जान जाते हैं, शॉप वाले भैया, कि हाँ इनको ना इनकी चॉइस इस तरीके से है, तो वो आपको आपके आते ही वो उस तरीके से कपड़े बताने लगते हैं। साइज तो सही है, हाँ वो अच्छी लग रही है, वाइट अच्छी लग रही है, लेकिन वही सबसे अच्छी लग रही है। हाँ नहीं, वो वाइट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, और कल हम लोग ना रात को काफ़ी लेट हो गए थे, ऊपर से जब भी बाहर जाओ ना तो स्वेटिंग भी बहुत हो जाती है, गर्मी ना डबल लगती है। वैसे आप घर पे रहते हो तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो आपको डबल दुगनी गर्मी लगेगी। एंड फिर मैं सच बताऊँ, थक गए थे, गर्मी लग रही थी, प्लस हम लोगों ने डिनर भी बाहर नहीं किया था, तो जब 10:30 बजे घर पे आए हम लोग, तब मैंने डिनर बनाया,
मीन्स मैंने रोटियां बना दी थी, इन्होंने सब्जी बना दी थी, तो जल्दी जल्दी हो गई थी। तो क्योंकि मतलब मौसम अगर अच्छा होता है ना तो एक बार चलो बाहर खाने का मन करता है। मॉनसून का टाइम है, गर्मी इतनी है, कीड़े वगैरह इतने आ रहे थे ना, तो बाहर भी हम लोगों ने डिनर नहीं किया। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, बस लग रहा था चाहे 11 बजे भी रात को घर पे जाओ, छोटा पूरा कुछ बना के खा लो, लेकिन बाहर तो बिल्कुल नहीं खाना है जी। तो बस फिर आके हम लोग सो गए थे। जो शॉपिंग भी करके लाए हैं वो अभी मैंने सुबह रखा है, तो अभी दोपहर को फ्री होके मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड तो कर ही देती हूँ। ओके, सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय।